बच्चों लोग, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग अल्किन फैमिली का अगर फॉर्मूला दिया रहेगा तो उसमें जितना पॉसिबल आइसोमर्स होता है उसको ड्रॉ करना हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, आज से क्लास में सीखने वाले हैं, अगर आपका जो हाइड्रोकार्बन होगा अगर अल्किन फैमिली का पार्ट होगा, ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर को, यानी इसका जो फिगर है उसको कैसे ड्रॉ करते हो। तो ना अल्किन फैमिली का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n। ठीक है, यहाँ जो n होता है, n स्टार्ट होता है 2 से, यानी आपका जो पहला अल्किन होगा उसमें कार्बन का नंबर 2 होगा, यानी एक कार्बन का, यानी सिंगल कार्बन का अल्किन पॉसिबल नहीं है। तो अल्किन होने के लिए एटलीस्ट आपके सिस्टम में 2 कार्बन होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण ना, अल्किन में होता क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है। अब ध्यान ना, अल्किन में कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, कंटेन वन डबल बॉन्ड, यानी वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, तो अल्किन में ध्यान देना, अल्किन के फिगर में एक डबल बॉन्ड को ड्रॉ करना पड़ेगा, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ठीक, यहाँ पर ना कुछ आपको अल्किन का फॉर्मूला दिया हुआ है और उसका नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो अल्किन का फॉर्मूला है तो उसमें दिया हुआ है, तो अल्किन का फॉर्मूला कहते हैं ये है आपके अनब्रांच्ड अल्किन का फॉर्मूला लिखा होगा पास, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अनब्रांच्ड अल्किन। ठीक है, तो इसमें एक और बात करने की बात है, जैसे मान लो C2H4 है, तो C2H4 में क्या होगा, पहले क्या काम करोगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड बना देना, तो कार्बन कार्बन बनेगा डबल बॉन्ड, बचा हुआ वैलेंसी क्या है, एच में एच लगा देना, बचा जो वैलेंसी है उसमें आपको एच लगा देना है। ठीक है, आपको पता होता है कि कार्बन का वैलेंसी क्या होता है, 4 होता है, उसके अकॉर्डिंग आप फिगर को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उधर ना अगर बात करते हैं C3H6 का, तो C3H6 का फिगर कैसा होगा, तो इसमें 3 कार्बन है तो पहले हम 3 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि अल्किन में आपके पास एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो हम डबल बॉन्ड बना दिए यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ अल्किन का नाम लिखे हुआ है ना, तो इस अल्किन का नाम होता है, 2 कार्बन वाले का नाम होता है इथीन, 3 कार्बन हो तो उसके लिए क्या होगा, आपका रूट वर्ड होगा प्रोप, याद है ना, अल्किन का नेम का जो रूट वर्ड होगा कार्बन के चेन से, यानी आपके चेन में कितना कार्बन है उससे आपका रूट वर्ड आएगा, तो रूट वर्ड तो पता है कैसा आता है, और अल्किन के लिए जो सफिक्स होता है वो होता है ईएनई, तो रूट वर्ड के बाद हम लगा देंगे ईएनई। ठीक है, तो 3 कार्बन के लिए नाम हो जाएगा प्रोपीन। गौर करना, जो 4 कार्बन है तो उसके लिए नाम होगा ब्यूटीन, बट ये नाम कब लिखेंगे, तो ध्यान से देखना कि इस केस में, यहाँ पे जो भी केस हम अभी आपको समझा रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, उसमें जो डबल बॉन्ड है उसको ड्रॉ करना हमेशा एंड पे, या तो यहाँ ड्रॉ करोगे या तो आप पहले वाले पॉइंट पर ड्रॉ करोगे, यानी इन पॉइंट पे डबल बॉन्ड को ड्रॉ करना है। जो भी नीचे केस होगा या जिसका भी आपको नाम लिखा हुआ नहीं, थीन मिथिन प्रोपीन, उसमें उसमें क्या करना है, आपको जो डबल बॉन्ड होगा उसको पोजिशन हमेशा कहा होगा, उसका पोजिशन हमेशा होगा इन पॉइंट पे। तो अभी जितना भी हम अनब्रांच अल्किन का नाम लिख रहे हैं वो वैलिड तभी होगा जब वो इन पॉइंट पे होगा। ठीक है, आपका डबल बॉन्ड क्या होगा, इन पॉइंट पे होगा। सिफरेशन को कैसे फिगर लिखेंगे हम, तो इसको ऐसे सोच सकते हो, 5 कार्बन का चेन होगा और डबल बॉन्ड को हमको यहाँ दिखा देना है या फिर आपको शुरू में दिखा दो चलेगा। ठीक है, यानी सिंपल सिंपल अल्किन का नाम लिखा हुआ है, जो सिंपल नॉर्मल अल्किन पॉसिबल होता है उसका नाम लिखा हुआ है, इसमें ब्रांचिंग या फिर डबल बॉन्ड का पोजिशन बीच में होगा उस केस को अभी तक कंसिडर हम नहीं किए हैं, उसको हम आगे कंसिडर करने वाले हैं, बट यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है और जो भी नाम है उसका उसका जब फिगर आप ड्रॉ करोगे तो उसमें ब्रांच मत बनाना, इसमें ब्रांच नहीं बनाना आपको। C5H10 में क्या होगा, ये पेंटीन है, C7H40 में क्या है, इसको बोलते हैं हेप्टीन। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे C7H40 का फिगर बनाना तो क्या होगा, आपका 7 कार्बन का चेन होगा और डबल बॉन्ड को बनाना है आपको इंड पॉइंट पे, कहीं भी, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में, कहीं भी बनाना है, बट आपको बनाना है इंड पॉइंट पे, तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा यहाँ। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। अब ध्यान ना, अब आता हम लोग चीजों को समझेंगे कि अगर ब्रांचिंग होगा तो क्या होगा, या फिर आपका डबल बॉन्ड का पोजीशन एंड पॉइंट पर नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, यानी अब मेरा फोकस रहेगा किसी भी गिवन फॉर्मूला के लिए कितना आइसोमर पॉसिबल है, यानी कितना फिगर पॉसिबल है, उसको ड्रॉ करना सीखना है। तो पहले तो यहाँ पे तो वही है, सिंपल चीज दिखाया हुआ कि अगर इन पॉइंट पे डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, तो ये तो ऑलरेडी कवर कर लिया हम लोग। ठीक है,
पॉइंट आता है कि अगर मान लेते हैं कि अल्किन का जनरल जनरल फॉर्मूला दिया रहेगा तो कितना फिगर सोच सकते हो। तो मैं टॉपिक अभी क्या रहेगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ अल्किन्स फॉर गिवन फॉर्मूला, फॉर गिवन फॉर्मूला, ठीक है, फॉर गिवन फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला तो उसके लिए अल्किन कितना पॉसिबल होगा मुझे ड्रॉ करना है। तो C2H4 में ध्यान देना, C2H4 में एक ही पॉसिबिलिटी है, सी सी में डबल बन गया और एच लगा दिए, चेक। अगर बोला जाएगा मेरे को C3H6 में, तो C3H6 में भी क्या एक ही पॉसिबिलिटी है, कार्बन कार्बन का तीन हो गया चेन, डबल बॉन्ड का पोजिशन आप यहाँ बना दो या फिर आप यहाँ बना दो, बात बराबर है, तो दोनों सेम ही केस है, दोनों सेम ही केस है, ठीक है। तो दोनों में सेम ही केस है तो क्या होगा, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी होगा, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। चार कार्बन से देखना ध्यान से, चार कार्बन से पॉसिबिलिटी इंक्रीज कर सकता है। तो C4 अगर हम अल्किन ड्रॉ कर रहे हैं, अल्किन C4H8, तो पहला क्या काम करना, पहला आपको देखना कि सिंगल कार्बन कार्बन चेन का कितना पॉसिबिलिटी है। जब भी आपको अल्किन ड्रॉ करने बोले तो पहला क्या काम करोगे, पहले देखना कि सिंगल बॉन्ड यानी अल्किन का पॉसिबिलिटी कितना था। तो C4 में आपका या तो कार्बन चेन ऐसा होगा, ठीक है, या तो ऐसा होगा, तो दो पॉसिबिलिटी था आपके पास, तो ये हो गया दो पॉसिबिलिटी अल्किन का। अब इसमें अल्किन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड डालना पड़ेगा। तो इस पॉसिबिलिटी में देखो अल्किन कहाँ का बन सकता है, तो अल्किन या तो बनेगा डबल बॉन्ड डालेंगे यहाँ पे, तो ये बना एक अल्किन, और इसी में डबल बॉन्ड हम डाल दें बीच में तो उसमें दूसरा पॉसिबिलिटी बन जाएगा। तो इस फिगर के कॉरस्पॉन्डिंग दो अल्किन पॉसिबल है, ठीक है। अब इस फिगर में हमें अगर डरमो को तुम राइट में दिखाया तो दोनों सेम ही पॉसिबिलिटी है, दोनों सेम ही पॉसिबिलिटी है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम रहेगा, ठीक। तो ये दोनों मिलके सेम बनेगा और यहाँ पे एक अलग बनेगा। अगर ऊपर वाले फिगर में चेक करते हैं, इसमें राइट वाले फिगर में, तो यहाँ पे आप अल्किन को आप यहाँ बनाओ या फिर यहाँ बनाओ नीचे में या फिर आप लेफ्ट बनाओ, सेम ही चीज है, सेम ही चीज है, सेम ही फिगर है, फिगर चेंज नहीं कर रहा। तो इसमें क्या होगा, ये सारा फिगर सेम फिगर है, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा C4H8 में कितना अल्किन पॉसिबल है तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे आप कि तीन अल्किन पॉसिबल है, इसको वन बोल सकते हैं, टू बोल सकते हैं, थ्री बोल सकते हैं लोग, ठीक है। ये ध्यान देना, अब ध्यान सुनना, ये जो सारा पॉसिबिलिटी है इसको आसानी से रिप्रेजेंट करने के लिए उसको मैं ऐसा दिखाएंगे, मैं ऐसा दिखाऊंगा, ये तो आपको समझ आ चुका कि यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी में ड्रॉ कैसे किया, तो इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अब इसको आसानी से अगर हम रिप्रेजेंट करके आपको समझाना है तो मैं ऐसे समझाऊंगा आपको कि C4H8 में पहले क्या करोगे, पहले आप कार्बन का चेन बना लो, तो कार्बन का चेन का दो पॉसिबिलिटी थे, हम बात कर चुके थे, सी 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 सी, ठीक है। और ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी है कार्बन के चेन का। अब जाना ना, आपका डबल बॉन्ड या तो यहाँ हो सकता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे आपके प्रोसेस को आसान करने के लिए बोल रहे हैं कि देखो अल्किन डबल बॉन्ड आप यहाँ बनाओ या तो यहाँ बनाओ, दोनों से ही पॉसिबिलिटी है, या तो डबल बॉन्ड बीच में बनेगा। तो जो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ आपको सोचना कि यहाँ पर डबल बॉन्ड में बना रहा हूँ, ठीक है, यानी नंबर वन बोलने का मतलब है कि हम इस मैं इस अल्किन का बात कर रहा था, और नंबर टू मतलब इस लकीन का बात कर रहा था, यानी जहां पोजिशन में नंबर में डाल रहा हूँ मतलब वहां पे आपका डबल बॉन्ड का पोजिशनिंग में मैं मार्क कर रहा हूँ, जहां पे भी मैं डबल बॉन्ड में दिखा रहा हूँ ना उसका मतलब समझना है कि वहां पर मैं डबल बॉन्ड बना के मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस फिगर में दो टाइप का लकीन पॉसिबल है, यहाँ पर वन यहाँ वन, यानी ये दोनों पॉसिबिलिटी सेम पॉसिबिलिटी है, और बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली राइट वाला पॉसिबिलिटी में डबल बॉन्ड आप यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, सबके साथ सेम पॉसिबिलिटी है, यानी इस फिगर से दो अल्किन बन सकता है और इस फिगर से आपका अल्किन एक बनेगा, दो बनेगा और एक बनेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर बात होता है C5H12S10 में कितना पॉसिबिलिटी हो अल्किन का, तो पहले वो चेक करना है कि एल्किन कितना बना पाओगे। तो आपको पता है कि एल्किन का पॉसिबिलिटी या तो स्ट्रेट चेन होगा, तो पांच कार्बन का चेन होगा, या तो चार कार्बन का चेन होगा और एक ब्रांच होगा, ठीक है।
या फिर क्या होगा, तीन कार्बन का चेन होगा और दो ब्रांच होगा। तो आपको पता है कि ये सारा तीन पॉसिबिलिटी होता है, पेंटेन का तीन पॉसिबिलिटी होता है। इन सी फाइव में पांच कार्बन में इस तरह से तीन चेन बन सकता है। अब आते हैं कि इस चेन में हम अल्किन को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पॉइंट डाउन यानी अल्किन कितना पॉसिबल होगा। तो इस फिगर में, इन लेफ्ट मोस्ट फिगर में आपका अल्किन यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ सेम रहेगा, यहाँ और यहाँ सेम बनेगा, यानी इस फिगर से आपका दो अल्किन पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप आते हैं बीच वाले फिगर में, तो बीच वाले फिगर में डबल बॉन्ड का पोजिशनिंग में यहाँ पर यहाँ का दोनों सेम पोजिशन है। ठीक है, यहाँ पे एक नया पोजिशन होगा और यहाँ पे एक और नया पोजिशन होगा, यानी डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जो होगा, तो डबल बॉन्ड का पोजिशन से यहाँ पे तीन फिगर पॉसिबल है। ठीक है, और इस फिगर में डबल बॉन्ड बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बीच वाला कार्बन का चार वैलेंसी पूरा हो चुका है, बीच वाले कार्बन का आपका चार वैलेंसी पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे इसमें से नो अल्किन इज पॉसिबल। आपके पास यहाँ पे कोई भी अल्किन पॉसिबल नहीं होगा, जो भी अल्किन बनेगा यहाँ से बनेगा या तो यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ से कितना अल्किन बन सकता है, तो यहाँ से अल्किन बनेगा दो बनेगा, और यहाँ से अल्किन कितना बनेगा, तीन बनेगा। तो इस फिगर में सी फाइव एस्टर में टोटल अल्किन जो पॉसिबल होगा, टोटल अल्किन पॉसिबल होगा ये हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा फाइव। ठीक है, तो चलो अगर ट्राई करेंगे, अगर इतना पसंद में आ चुका है तो ट्राई करोगे सी सिक्स एच ट्वेल्व में कितना पॉसिबिलिटी होगा अल्किन का। सो ट्राई करना फास्ट, टोटल पॉसिबल अल्किन ड्रॉ करोगे, टोटल पॉसिबल अल्किन पता करना आपको। ठीक है, बच्चों इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको अल्केन का फिगर ड्रॉ करना है, कितना पॉसिबल अल्केन था। तो अगर लास्ट का सोच याद होगा तो हम चलते हैं, तो अल्केन का पॉसिबल ड्रॉ कर चुके थे, तो ध्यान सुनना। तो सी सिक्स एच ट्वेल्व में ठीक है पॉसिबल जो चेन होगा, तो छह कार्बन का चेन यहाँ ड्रॉ किया आपके लिए, तो छह कार्बन का एक जो चेन है उसमें अल्किन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो तीन पॉसिबिलिटी यहाँ दिखा आपको। अगर पांच कार्बन का चेन हो तो उसमें ब्रांच होगा, उसमें ब्रांचिंग होगा। ठीक है, तो ब्रांचिंग होगा, ध्यान देना पांच कार्बन के चेन में। तो आपको इतना भी लंबा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, जो सॉल्यूशन ड्रॉ किया हुआ उससे बेटर हम सोच सकते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, पहले क्या करना कि पांच छह कार्बन का चेन एक पॉसिबल है, ठीक है, पांच कार्बन के चेन में कितना पॉसिबिलिटी होगा, तो पांच कार्बन चेन में ब्रांचिंग, एक कार्बन ब्रांचिंग जाए तो ब्रांच यहां हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, या तो ब्रांच जो होगा वो यहां हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और बात करते हैं चार कार्बन में, तो चार कार्बन के चेन में दो ब्रांच होगा, दो ब्रांच आपका यहाँ हो सकता है एक साथ, या तो एक ब्रांच यहाँ हो एक ब्रांच यहाँ हो। ठीक है, तो आपके पास टोटल जो होगा पांच पॉसिबिलिटी होगा अल्केन में। अब इसमें हमको ध्यान देना, इसमें मेरे को अगर मुझे अल्किन को ड्रॉ करना है तो अल्किन का पोजिशन मार्क करते हैं कहाँ कहाँ, तो छह कार्बन के चेन में अल्किन यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा सेम रहेगा, इन दोनों पोजिशन सेम पोजिशन है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ होगा, और थर्ड पॉसिबिलिटी यहाँ पे होगा। तो यानी इस छह कार्बन के चेन में तीन पॉसिबिलिटी मैं बना सकता हूँ, पांच कार्बन के चेन में यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होगा, ध्यान सुनना, पहले वाले फिगर में अल्किन आप यहाँ बनाओ, ये दोनों पोजिशन सेम पोजिशन है, तो यहाँ जो डबल बॉन्ड बनेगा दोनों सेम बनेगा, तो कहीं बना दो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ एक नया पोजिशन होगा, यहाँ एक नया पोजिशन होगा, यहाँ एक नया पोजिशन होगा, तो पहले फिगर में चार पॉसिबिलिटी यहाँ दिखेगा। नीचे वाले फिगर में आप अल्किन यहाँ यहाँ दोनों सेम पॉसिबिलिटी, सिमेट्रिकल पॉसिबिलिटी होगा, यहाँ यहाँ सिमेट्रिकल पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, ये इतना पॉसिबिलिटी बन चुका है। इसके अलावा ध्यान सुनना, यहाँ जो ऊपर वाला फिगर है इसमें जब बस देखो, बीच वाले कार्बन में आप यहाँ बॉन्ड नहीं बना सकते, ये काम मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे अल्किन बनेगा नहीं, क्योंकि जो बीच वाला कार्बन है उसका वैलेंसी पांच हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वहां से मैं हटा रहा हूँ। तो इसमें अल्किन बस यहाँ बनेगा, बस यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, इसमें अल्किन का पॉसिबिलिटी देखे तो वहां पे एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे बस। नीचे वाले फिगर में
ए पोजीशन ए पोजीशन ए पोजीशन, जहां मैंने वन लिखा सारा सेम पोजीशन है, कहीं बनाओगे कोई दिक्कत नहीं, सेम ही रहेगा ठीक है। और नेक्स्ट पोजीशन होगा वो होगा बीच में यहाँ पे ठीक है। तो ध्यान देना, तो अब सबको काउंट करोगे तो छह कार्बन की चेन में कितना पॉसिबिलिटी होगा, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी होगा, यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी होगा, यहाँ से तीन होगा ठीक है। पांच कार्बन की चेन में दोनों को ऐड कर ले तो ऊपर से चार नीचे से तीन, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना होगा, सात पॉसिबिलिटी होगा। और चार कार्बन वाले चेन में अगर ऐड करके जोड़ेगा तो यहाँ से कितना पॉसिबिलिटी होगा, तो यहाँ से आपका तीन पॉसिबिलिटी आएगा ठीक है। ऊपर से एक और नीचे से जो है नीचे से दो, यानी क्या होगा टोटल तीन पॉसिबिलिटी होगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना होगा, तो यह होगा थर्टीन, कितना होगा थर्टीन। तो टोटल पॉसिबल आइसोमर जो हम ड्रॉ कर सकते हैं C6H12 में वो होगा टोटल थर्टीन होगा ठीक है। सर हाँ बोलो बच्चा। सर एक डाउट है हाँ बताएंगे। सर, हम मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि स्ट्रक्चर सेम है या नहीं, मतलब आइसोमर्स में आप जैसे लिखे हैं 1, 1, 2, 2, सर मतलब हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये स्ट्रक्चर उससे अलग है? देखो क्या करना कि आप क्या करना कि पहले बार क्या करोगे, आप फिगर को ड्रॉ कर लो पूरा ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जैसे मान ले कि मैं इसको ड्रॉ कर दिखाता हूँ आपको यहाँ पे ठीक है, तो इसका सारा पॉसिबिलिटी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके लिए, तो वो समझ में आ जाएगा। इसका और इसका मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके लिए, ये वाला फिगर जहाँ चार में दिखाया हूँ ठीक है, तो वो समझ में आया कि इसको मैं ड्रॉ कैसे करूँ फास्ट। तो एक वजह आप पेन से ड्रॉ करोगे ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देख पहले वाले में अगर मैं छह कार्बन का चेन लेता हूँ तो ध्यान देना, अल्किन आप अगर यहाँ बनाते हो मान लेते हैं यहाँ पे ड्रॉ ठीक है, ये आपका अल्किन अल्किन ए ए जो अल्किन है, ये दोनों अल्किन सेम ही अल्किन है। अगर आप देखोगे इस फिगर को आप अगर यहां से रिवर्स कर दो ये फिगर को ना, ये फिगर रिवर्स हो जाएगा, दोनों सेम बन जाएगा। ये आपको दिख रहा है यस सर, ये दोनों सेम है ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे मैंने मार्क किया 1, 1, यानी आपका डबल बॉन्ड यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ दोनों सेम बनेगा, दोनों फिगर मतलब आइडेंटिकल रहेगा ठीक। सिमिलर ध्यान देना, आपका डबल बॉन्ड सेकंड जो फिगर मैं बना रहा हूँ छह कार्बन में, डबल बॉन्ड में यहाँ बनाओ ठीक है, या फिर मैं डबल बॉन्ड यहाँ बनाओ, दोनों आइडेंटिकल फिगर है, दोनों को अगर एक फिगर को रिवर्स करो तो दूसरा फिगर अपने आपको मिल जाएगा। कंफर्म है, इतना समझ आ रहा है ठीक है। सर मतलब रिवर्स करके चेक करना है अगर सेम आ रहा है तो, मतलब क्या ना कि जरूरत नहीं पड़ेगा, आप एक बार जब फिगर को से ड्रॉ कर लो ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा चीज, एक बार आपको हर बार आपको नहीं करना पड़ेगा, एक बार ढंग से बनाना है बैठ के, जितना मैं बना रहा हूँ उतना भी अगर आप देख लो तो समझ में आया कि मैं सेम क्यों बोल रहा था। क्योंकि देखो आपको रिलेटिव पोजिशन चेक करना है, रिलेटिव पोजिशन देखो सेम है, जैसे मान लेते हैं कि डबल वन का पोजिशन चेक करोगे तो आपको रिलेटिव पोजिशन चेक करना है, रिलेटिव पोजिशन, तो रिलेटिव पोजिशनिंग अगर आपको सेम दिखेगा तो फिगर सेम है। रिलेटिव पोजिशन ध्यान देना, जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड का मैं पोजिशन चेक करता हूँ तो इसके अराउंड एक कार्बन इधर है और तीन कार्बन इधर है, वही काम तो यहाँ हो रहा है, इसके अबाउट एक कार्बन इधर है और तीन कार्बन इधर है, सिमिलर सिचुएशन है आपको दिख रहा है एकदम एग्जैक्ट। और अगर थर्ड मैं जो बनाऊ फिगर तो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हुआ कि डबल बॉन्ड यहाँ पर आने के, तो ये देखोगे तो इसलिए मैं यहाँ इन इस इन सारे फिगर के लिए भी देखो 1, 1 मतलब ये पोजिशन डबल बॉन्ड है, तो ये पहले फिगर को मैं बता रहा था इसलिए मैं 1, 1 लिखा था ठीक है। 2, 2 जो मैं मार्क किया हूँ इस फिगर में, 2, 2 मैं सेकंड वाले पोजीशन के लिए मार्क किया था, इसलिए 2, 2 में मार्क किया था। तो थर्ड पोजीशन है वो मैं लास्ट वाले फिगर के लिए मार्क किया था, ये थर्ड पोजीशन के लिए ठीक है। तो ये रहा इसका तरीका। एक और देख लेते हैं हम लोग, इस फिगर को देख लेते हैं। तो अगर मान लेते कि आपके पास अगर इस तरह का अगर आपके पास सिस्टम है तो पांच कार्बन है और विथ वन ब्रांच है ठीक है, तो डबल बॉन्ड आप यहाँ बना लो तो ये पॉसिबिलिटी होगा। अब इसी सिस्टम में डबल अगर पांच कार्बन है डबल बॉन्ड अगला आप यहाँ बना लो। देखो इस फिगर में एक और पॉसिबिलिटी था, डबल बॉन्ड आप यहाँ ही बना सकते हो, इसमें चेक करेंगे ये दोनों सेम पॉसिबिलिटी, इस डबल बॉन्ड के अबाउट एक कार्बन इधर है और तीन कार्बन इधर है, वही यहाँ भी आपको दिख रहा है इस डबल बॉन्ड के अबाउट एक कार्बन जो है, एक सेकेंड यहाँ डबल बॉन्ड मैंने बनाया था ठीक है, इस डबल बॉन्ड के अबाउट देखना ना एक कार्बन इधर है
नीचे में और एक कार्बन, तीन कार्बन के चिन्ह यहाँ पे है, और ये जो एक कार्बन तीन कार्बन है दोनों सेम ही कार्बन से अटैच है, सेम इस कार्बन से अटैच है। वही काम यहाँ देना, किसी डबल बॉन्ड के अबाउट में एक कार्बन इधर है राइट में है और तीन कार्बन लेफ्ट में है, और दोनों जो ब्रांचिंग है सेम ही कार्बन से अटैच है, तो सिचुएशन सेम ही है, इसलिए दोनों पॉसिबिलिटी सेम पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, इसमें जी इसमें एक पॉसिबिलिटी यहाँ होगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, एक कार्बन और एक सिलेंडर में, इसमें एक पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकता है और एक पॉसिबिलिटी इसमें यहाँ हो सकता ठीक है। टोटल को इसमें चार पॉसिबिलिटी वो दिखेगा, तो ये पॉसिबिलिटी सेम पॉसिबिलिटी है, इसके लिए मैंने देखो वन वन मार्क किया यहाँ पे, वन वन दोनों सेम पोजिशन, फिर टू थ्री फोर के लिए मैंने मार्क किया हुआ पोजिशन के लिए इसके इस फिगर में। तो आपको एक बार ड्रॉ करना है, क्योंकि अब इतना बनाएंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है, इतना बनाएंगे तो क्या क्वेश्चन में आएगा टाइम, तो इसलिए बेटर अप्रोच क्या बताया कि आपको सिंपल अल्किन का पहले फिगर बना ले, और उसमें ट्राई करना आपको कि अल्किन कहाँ का बनेगा पोजिशन मार्क कर लो, जो आइडेंटिकल पोजिशन है उसके लिए सेम नंबर यूज कर दिए, और जो आइडेंटिकल नहीं उसके लिए अलग नंबर यूज कर दिए, तो हर अल्किन का पॉसिबिलिटी में अल्किन कितना बनेगा मुझे मिल गया, सारे को ऐड कर लेंगे तो टोटल पॉसिबल अल्किन हम निकाल सकते हैं फटाफट। ठीक है, यस इस तरह के अप्रोच को फॉलो करना है। 13 है बच्चों, ऑल अबाउट अल्कीन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं बच्चों, हम अल्काइन का फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, अल्काइन का फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो अल्काइन ध्यान बच्चों, आपका जो अल्काइन होगा, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है, CnH2n-2 होगा। अब अल्काइन फैमिली का जो पहला मेंबर होता है उसका कार्बन का नंबर कितना होगा, तो दो होगा, उसके कार्बन नंबर कितना होगा, दो होने वाला है, ठीक है। और इसमें आपका कार्बन कार्बन वन ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन वन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो इस फिगर में कार्बन कार्बन क्या होगा, वन ट्रिपल बॉन्ड होगा, कंपल्सरी है। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि कुछ सिंपल अल्काइन का फिगर बता रहा हूँ आपको, कुछ सिंपल अनब्रांच अल्काइन का फॉर्मूला और उसका नाम क्या होगा। तो पहला अल्काइन का फॉर्मूला जो होगा C2H2 होगा, उसका नाम होता है इथाइन। यहाँ पर रूट वर्ड तो पता है कैसे लिखना है, इसमें जो सफिक्स वन होगा उसमें हम वाई नहीं जोड़ देंगे, रूट वर्ड में हम वाई नहीं जोड़ देंगे, तो मेरा इथाइन का नाम हो जाएगा। इथाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो दो कार्बन में क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ HH होगा। सिमिलरली हम बात करते हैं प्रोपाइन में, प्रोपाइन में क्या होगा, तो तीन कार्बन, और यहाँ पे राइट या लेफ्ट साइड में कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा देना, लेकिन ध्यान देना यहाँ जो कॉमन जो सिंपल अल्काइन है उसमें हमेशा जो अल्काइन बनाओगे इन ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे वो बनाना हमेशा एंड पॉइंट्स पे, यानी जो नाम मैं लिख रहा हूँ इस नाम के लिए तभी सही रहेगा जब आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा एंड पॉइंट्स पे, बीच में आपको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए C6H10 है, ये होगा हेक्साइन, इसका फिगर जब बनाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आपको जो बनाना है इन पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये बन गया, या तो यहाँ बना सकते हैं या तो बिगिनिंग में बना सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये रहेगा आपका अल्काइन का स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंपल सिंपल अल्काइन का जो होता है अनब्रांच उसका फिगर आपको समझ आ गया। अब जाना, अब हम मुझे पता करना है कि अगर अल्काइन में आइसोमोरफिज्म सोचे कि कितना पॉसिबल फिगर पॉसिबल है, तो हम कैसे सोचेंगे, तो ध्यान सुनना, C2H2 में तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही फिगर पॉसिबल है, C3H4 में भी एक ही फिगर पॉसिबल है, ठीक है। C4H6 से हम स्टार्ट करते हैं, तो C4H6 ध्यान देना, C4H6 में अगर बोलेंगे अल्काइन ड्रॉ करना, तो हम देखो आपका अप्रोच क्या होगा, फर्स्ट होगा कि अल्केन कितना बनेगा, तो अल्केन का दो पॉसिबिलिटी है, एक तो चार कार्बन का चेन से बन सकता है अल्केन, और एक बनेगा ब्रांचिंग, तीन कार्बन का चेन और एक ब्रांच। अब इसमें हमको अल्काइन ड्रॉ करना, तो अल्काइन ड्रॉ करने के लिए मुझे ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड देखो, ट्रिपल बॉन्ड पहले फिगर में आप यहाँ बना सकते हो और यहाँ, दोनों सेम पोजिशन है और एक यहाँ बन सकता है ट्रिपल बॉन्ड, इसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। तो जो मैं वन वन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वन वन इसके लिए दिया गया था इसको, या तो आप ऐसे कर दो, यानी वन जो लिखा हुआ है वन इसको, या इसको फिर रिप्रेजेंट कर सकता है, जो टू है टू इसके लिए था,
ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी बन सकता है स्फीयर के लिए। ठीक है, वन हो गया, टू हो गया, ये दोनों इस स्फीयर के लिए पॉसिबल होगा। अब ना इस फिगर में यहाँ पे सेकंड में फिगर बना है, उसमें हम अल्काइन बना नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें अगर अल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी हम बनाएंगे ना तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इसे बीच वाला कार्बन का वैलेंसी हो जाएगा 5, बीच वाले कार्बन का वैलेंसी हो जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूला के लिए आपके पास कोई भी अल्काइन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसमें कोई भी नो अल्काइन इज पॉसिबल। इसका मतलब C4H6 में अल्काइन में देखें तो अल्काइन में सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, टू पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी और सिर्फ। ठीक है, सिमिलरली बच्चों आप लोग ट्राई करोगे C5H8 में कितना अल्काइन पॉसिबल होगा, फटाफट फाइंड करेंगे C5H8 में कितना पॉसिबल अल्काइन होगा। ठीक है, और ये हो जाए तो ट्राई करना C6H10 में कितना अल्काइन पॉसिबल है, टोटल पॉसिबल अल्काइन। बच्चों लोग फटाफट आपको C5H8 में कितना अल्काइन पॉसिबल है और C6H10 में कितना अल्काइन पॉसिबल है, इसका आंसर मुझे बताओगे फास्ट। बच्चों ध्यान देना C5H में कितना पॉसिबिलिटी होगा, तो पहला अप्रोच क्या है, पहले हम लोग सिंगल बॉन्ड यानी अल्केन का फिगर को ड्रॉ करना है, तो सिंगल बिना ब्रांचिंग के एक चेन पॉसिबल है, चार कार्बन में अगर देखेंगे तो यहाँ पॉसिबिलिटी होगा, और तीन कार्बन में जो पॉसिबिलिटी होगा उसको हम ऐसे देख सकते हैं। अब देना अल्काइन का पॉसिबिलिटी का बात करें तो अल्काइन इसमें जो बनेगा, यहाँ पे एक बन सकता है, यहाँ भी सेम पोजिशन है तो एक ही होगा, और यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे होगा, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी होगा। इसमें देना यहाँ पे अल्काइन यहाँ बन सकता है, बाकी और कहीं पॉसिबल नहीं है, बीच वाले कार्बन में कहीं भी बनाओगे तो कार्बन का बैलेंस एक्सीड कर जाएगा, तो बस इसमें एक ही पॉसिबिलिटी होगा, इसमें होगा ही नहीं। इसका मतलब C5H8 में टोटल पॉसिबल अल्किन कितना होगा, तो यहाँ से दो आएगा और यहाँ से एक आएगा, टोटल पॉसिबिलिटी कितना होगा, इस केस में तीन होगा। ठीक है, ये हो गया C5H8 का। अब बात करते हैं C6H10 में क्या होगा, तो पहले देखते हैं सिंगल का चेन में कितना पॉसिबिलिटी है, तो सिंगल चेन में एक ये पॉसिबिलिटी हुआ, एक पॉसिबिलिटी ऐसा होगा, पांच कार्बन एक ब्रांच यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है, चार कार्बन में या तो ब्रांचिंग यहाँ यहाँ होगा सेम पोजीशन में, या तो डिफरेंट पोजीशन में ब्रांच हम दे सकते हैं यहाँ यहाँ, तो पॉसिबल अल्किन होगा। इसमें मैं अल्काइन बनाता हूँ तो अल्काइन देखो यहाँ पे एक हो सकता है, यहाँ पे यहाँ 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 सेम पॉसिबिलिटी, यहाँ पे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, तो पहले में तीन पॉसिबिलिटी होगा अल्काइन का, यहाँ पे देखो तो यहाँ पर अल्काइन यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, और कहीं नहीं बनेगा, और कहीं नहीं बनेगा। ठीक है, इस फिगर में यहाँ अल्काइन यहाँ अल्काइन सेम पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा अल्किन अल्काइन कहीं नहीं बनेगा, और इस फिगर में और कहीं नहीं बनेगा, यहाँ पर अल्काइन यहाँ बन सकता है बस, और कहीं नहीं बनेगा, और इस फिगर में या इस फिगर में कहीं नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे तो इसमें अल्काइन कितना बनेगा, तो अल्काइन यहाँ से तीन बना, यहाँ से दो बनेगा, यहाँ से एक बनेगा, और यहाँ से एक बनेगा। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना होगा जी, तो तीन दो एक और एक कितना होगा, टोटल क्या होगा, सिक्स होगा, सिक्स पॉसिबल अल्काइन्स होगा। ठीक है, बच्चों इस क्वेश्चन में आंसर सिक्स नहीं होगा, सेवन होगा, सेवन होगा। ठीक है, सेवन होगा। ठीक है, चलो।